एक सच्चा आदमी मरता है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। मुंबई से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा दो। मुंबईच्या बाहेर निघाला नाही पाहिजे। उसका था सिर्फ पैसे और हमारा था ड्यूटी। क्या बीते दिनों की याद से खींच लाएगी जनता को थिएटर तक? कौन सा नया पैंतरा अपना रहे हैं मेकर लॉजिकल? जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं अलीशा चोपड़ा आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे फिर एक मुद्दा दिलाएगा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गदर एक प्रेम कथा के बारे में। गदर एक प्रेम कथा ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती थी। उस समय जनता फिल्म के कलाकारों को लेकर तो पागल ही थे, साथ ही उनमें फिल्म की कहानी में दिखाए इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के समय का दर्दनाक दौर दिखाया, वो भी लोगों को अपनी ओर खींचने का जरिया बना। ऐसे में अब इस सुपर डुपर हिट फिल्म का आ रहा है सीक्वल, जिसमें इस बार वही सेम स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ सनी देओल उर्फ तारा सिंह, अमीषा पटेल यानी सकीना और इन दोनों के बेटे जीते का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा इस बार भी बड़े जीते का रोल निभाते दिखेंगे। अनिल शर्मा जो इस फिल्म के दोनों पार्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म के लिए इस बार भी एक और दिल को छू लेने वाली इमोशन से भरी 1971 में हुई हिंदू पाकिस्तान के वॉर को दिखाने का फैसला किया, जिसमें इस बार भी बेहतरीन गानों के साथ साथ लव स्टोरी का एंगल भी दिखेगा। ऐसे में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसने कई हिंदुस्तानियों के बीते कल को झकझोर कर रख दिया है और सबको मजबूर कर दिया है फिल्म देखने के लिए। ऐसे में इस फिल्म के आने वाली नई सीक्वल जैसे कि बच्चन पांडे और RRR को बुरे तरीके से जला दिया है, क्योंकि कई राज्यों में से इस फिल्म को हटाने नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते बाकी सारी मूवीज को हटवा दिया जा रहा है, जिसमें अक्षय की बच्चन पांडे भी शामिल है। तो अब आने वाली गदर 2 ऐसे ही एक प्लान और दूसरे की जमीन हथियाने की कहानी है, जिसमें कि फिर एक बार पाकिस्तान शामिल है। तो इस फिल्म में आई तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा और ना ही गलत होगा कि फिल्म शायद द कश्मीर फाइल्स का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दे, क्योंकि बॉलीवुड के मेकर जनता के इमोशन और जातिवाद पर कैसे उनको ट्रिगर करना है अच्छे से जानते हैं, और यही इस बार फिल्म के मेकर अनिल शर्मा अपनी गदर 2 से करने जा रहे हैं। तो हो सकता है डायरेक्टर को भी सरकार से जल्द ही माय सिक्योरिटी की गुहार लगानी पड़े। वेल, अब क्या होगा ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।